चलिए गुणा करके न्यूनतम रूप में हमें लिखना है। तो पहला ही प्रश्न है आपका, 7 × 3/5 है ना, ये पूर्णांक है और ये भिन्न है, इनका पूर्णांक का भिन्न में गुणा करना है और गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखना है। तो आप देख रहे हैं 7 × 21 = 21/5 21/5 चाहो तो यही आप आंसर लिख दो, दिस इज ए आंसर, चाहे तो आप यहीं पे आंसर लिख देंगे 21/5। ये कौन सा रूप है, ये न्यूनतम रूप है, क्यों नहीं घटेगा, 21 और 5 दोनों किसी पहाड़े में नहीं आते हैं, है ना, तो ये कटेगा नहीं। अब हम इसे मिश्रित रूप में लिखना चाहें, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखे, कौन सी भिन्न में लिखे, मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21 में 5 का भाग लगा दो, 5 का पाड़ा बोलो 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 × 20 एक में से 0 गया 1, 2 में से 2 गया 0, तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित भिन्न। क्या हो जाएगी आपकी मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न हो जाएगी आपकी 4 × 1/5 4 × 1/5 ये आपकी मिश्रित भिन्न है। चलो अब दूसरा सवाल, अब हम दूसरा सवाल करेंगे, 4 × 1/3 4 × 1/3 4 × 4/3 चार में भाग लगा दो 3 का, 4 में 3 का भाग लगाया, 3 × 3 4 में से 3 घटाओ 1 बचा, तो मिश्रित भिन्न हो जाएगी आपकी, मिश्रित भिन्न होगी आपकी 1 × 1/3 1 × 1/3 ये मिश्रित भिन्न हो गई, है ना। इसी क्रम में अगला सवाल हम लेते हैं, इसी क्रम में अगला सवाल आपका होगा, 5/2 × 6 5/2 × 6 अब ये भिन्न है और ये पूर्णांक है, बीच में गुणा है तो कट जाएंगे 2 से 2 × 6 तो ये हो गया 5 × 3 और 5 × 3 कितना होता है, 5 × 3 = 15 आंसर, ठीक है। अगला सवाल हम लेते हैं, 20 × 4/5 20 × 4/5 ये सवाल है। अब 5 से 20 कटेगा, 5 × 20 तो ये हो गया 4 × 4 अब 4 × 4 कितना होता भैया, 4 × 16 ये उत्तर आ गया, है ना, 4 × 16 अब हम लेते हैं अगला सवाल, 15 × 3/5 15 × 3/5 अगला सवाल है आपका, 15 × 3/5 15 × 3/5 तो 5 से कटेगा 5 × 15 3 × 3 और 3 × 9 ये आपका 3 × 9 ये आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से हमने आपके सामने पूर्णांक और भिन्न का गुणा करा और आपको गुणा करके बताया, है ना। अब हम पूर्णांक और मिश्र भिन्न का गुणा करेंगे, पूर्णांक का और मिश्र भिन्न का गुणा करके आपको दिखाएंगे। जैसे 3 × 1 ये सवाल है आपका, 3 × 5 = 1/5 3 × 5 = 1/5 3 × 25 = 26 26/5 और 26 × 108 108/5
अब ना, अगला प्रश्न है आपका, तीन सही एक बटे चार गुणित छः, तीन सही एक बटे चार गुणित छः है ना, तीन चौक बारह, तीन चौक बारह और एक तेरह, इनका दोनों का गुणा होगा, ऊपर वाला जो जाएगा, तीन चौक बारह और एक तेरह, तेरह बटे चार गुणित छः। अब चार और छः कौन से टेबल में आती है, दो में, दो दूनी चार, दो तीन छः, तेरह गुणित तीन बटे दो, तेरह की उनचालीस, उनचालीस बटे दो आपका आंसर। चलो, और आप चाहें तो उनचालीस में दो का भाग भी लगा सकते हो, आप इसको और आगे करना चाहें तो आगे भी हो सकता है, आगे कैसे हो सकता है, उनचालीस में दो का भाग लगाओ, दो एकम दो, फिर तीन में से दो गया तो एक, ऊपर से उतारा नौ, दो का टेबल बोलो उन्नीस आ जाए, दो नौ अठारह, एक जीरो का जीरो, तो उत्तर आ जाएगा आपका उन्नीस सही एक बटे दो।